2016 में आपके कई सारे डाउट्स आते हैं दिव्यांग भाई, मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हम में से कोई देख नहीं सकता, जैसे उमेश जी जिन्होंने सिरमौर में आईएएस बने वो दृष्टि बाधित थे, हम में से कोई लिख नहीं सकता, जैसा कि 2021 में विकास कुमार वर्सेज यूपीएससी में इसीलिए उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वो कैटेगरी में फॉल नहीं करता था और उसको स्क्राइब का राइट नहीं दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इतने टेक्निकल तरीके से किसी को स्क्राइब का बेनिफिट विदोल्ड नहीं कर सकते और अल्टीमेटली उसको पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी विकास कुमार वर्सेज यूपीएससी में। सिद्धा राजू और विकास कुमार की जजमेंट आपको पता ही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 141, 142, 144, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 32 के तहत, और वो इसके तहत दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत सुंदर जजमेंट्स जो विकास कुमार के रूप में और हमने सिद्धा राजू के रूप में पढ़ी। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 39A ये आपसे वादा करता है नालसा कि आपके हर कोने तक न्याय पहुंचेगा और इस न्याय तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 12 का 3 जिसमें ये लिखा है कि अगर आप कोर्ट आते हैं या ट्राइब्यूनल या क्वासी जुडिशियल किसी भी कंज्यूमर फोरम या कहीं पर भी, तो पूरा बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि एक हमारे जो ब्लाइंड हैं या डेफ हैं या डम हैं या फिर जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो आराम से वहां तक पहुंच सके, नहीं तो हम आप तक पहुंचे मोबाइल वैन या किसी के थ्रू। ये सरकार से भी गुजारिश की गई है कि सेक्शन 40 से सेक्शन 45 में आप कोई फॉर्म निकालते हैं, कोई करेंसी नोट निकालते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन निकालते हैं या आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई भी स्मार्टफोन या कंज्यूमर प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो आप दिव्यांग को यानी मार्जिनलाइज सोसाइटी के दिव्यांग को आप नहीं भूल सकते। आपको उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्रेल का या हर तरीके के फॉर्मेट का स्मार्टफोन से लेकर करेंसी नोट में वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी, टाइपराइटर से लेकर टीवी में वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ये सारी फैसिलिटी, ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन महसूस कर सकें। जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ने दिया है वही सेक्शन 16 ने इंक्लूसिव एजुकेशन का राइट दिव्यांग को दिया है। मैं आपको बता दूं सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, वो अपनी ज्यूरिडिक्शन में कहीं पर भी कोई भी दिव्यांग भाई देख ले और उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता हो जैसा आर्टिकल 23, 24 या अदरवाइज, तो वो पुलिस वाले की ड्यूटी है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डीएम या एसडीएम के पास लेके जाएं, और अगर वो इंडियन पिनल कोड या कोई पिनल क्लॉजेज जो कि इवन डिसेबिलिटी एक्ट में सेक्शन 89 से 95 के अंदर फॉल करता है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के 5 में लेके जाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल बिल्कुल इस तरह के से है जैसे कृष्ण भगवान का द्रौपदी के लिए, यानी रेस्क्यू करने का, रिहेबिलिटेट करने का, प्रोटेक्टिव कस्टडी प्रोवाइड करने का, मेंटेनेंस देने का, आप जो भी राइट समझ सकते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। और मैं आपको बता दूं एनजीओस डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिलकर संज्ञान ले सकते हैं सेक्शन 7 में, इतनी ज्यादा पावर है कि जहां पर भी कोई एक्सप्लोइटेशन दिखे दिव्यांग के साथ उसको इंजंक्शन यानी कि बिल्कुल बकायदा रोक सकते हैं, रिहेबिलिटेट रेस्क्यू ऑपरेशन कैलाश सत्यार्थी की तरह, इतने प्रोएक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहिए। चीफ कमिश्नर जब तक खुद दिव्यांग नहीं है तब तक वो एलिजिबिलिटी नहीं है, और स्टेट कमिश्नर में उनकी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो चीफ स्टेट के कमिश्नर बनेंगे। आप कोरोना से गुजर रहे हैं इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिव्यांग या कोई असहाय या कोई बुजुर्ग आदमी अगर अपने घरों में और कोरोना का इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगवाने आ नहीं सकता अस्पताल तक, तो आपको उनके तक आना होगा। आप और मैं किसी भी भूकंप आपदा बाढ़ में भाग सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन एक अपंग एक दिव्यांग चल फिर नहीं सकता। तो इसीलिए सेक्शन 8 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डायरेक्शन दी है कि वो ये सारे स्टेप्स लें ताकि किसी भी डिजास्टर में दिव्यांग जो है वो वल्नरेबल होने के कारण बेचारा अपने आर्टिकल्स 21 में जो उनके राइट दिए गए और जो चैप्टर 21 में जो उनके साथ हम बेचारेपन का व्यवहार करते हैं वो हमारे माइंडसेट खत्म हो और हम सेंसिटाइज्ड होकर उनको भी अपनी तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट दें, कम्युनिटी लाइफ दें, उनको भी हम उनके बायोलॉजिकल नीड्स के लिए उनको शादी करने का फैमिली बनाने का सारा राइट दें। ये बातें रिप्रोडक्टिव राइट सेक्शन 10 में, उनके घर का राइट सेक्शन 9 में, अगर माँ बाप नहीं है तो रिलेटिव को दें, नहीं है तो कम्युनिटी ने फैमिली सेटलिंग, और वो भी नहीं है तो शेल्टर होम लास्ट ऑप्शन, ये बात सेक्शन 9 में लिखा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं आर्टिकल 300
एक में 360 ट्रेड, तो कोई भी ट्रेड का चीज हो तो दिव्यांग के लिए आपको प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि वो यूज कर सकें। अगर कोई सर्विस है तो आर्टिकल 16 के तहत आपको उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, जैसा सिद्ध राजू केस में भी मैंने कहा आर्टिकल 14 से 18 के अंदर 16 भी आता है और यहां पर आपको ये देना पड़ेगा। कम्युनिटी लाइफ यानी कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हमारे दिव्यांग भाई भी अकेले अलग थलग बर्फी मूवी के प्रियंका की तरह ना रहें और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट ना हो गिनी पिग समझ के। आर्टिकल 51A के आई में इंजरी से मना किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेक्शन 6 ने भी ये कहा है कि गिनी पिग की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते कि उसके ऊपर जबरदस्ती आप कोई ऑपरेशन करो और उसके साथ आप उसकी बॉडी के साथ आप बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। सेक्शन 3 ने और चैप्टर 2 ने राइट्स एंड एंटाइटलमेंट में केवल इक्विलिटी डिग्निटी इंटीग्रिटी नहीं, रादर आर्टिकल 51A के जे की ड्यूटी पूरी करते हुए सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में यह कहा है कि बिल्कुल एक दिव्यांग से जो उसका बेस्ट पोटेंशियल है वो यूटिलाइज करके देश के जीडीपी में योगदान दें ताकि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बने। मैंने आपको बताया लेकिन ये सब तब पॉसिबल होगा जब आपके स्टेट में ये पता हो कि कितना आपके शहर में जैसे सिरमौर में कितने दिव्यांग है। इसके लिए हमारे पीएलवीज सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये डिमांड करें कि कितने दिव्यांग हैं और उनके जितने भी स्कीम हैं इस 45 दिन के प्रोग्राम में वो स्कीम उनको पहुंचाएं ताकि वो उनका बेनिफिट लें। वो खुद नहीं जा सकते तो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 में अपनी ड्यूटी पूरी करें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं। अगर पिनल क्लॉज है जैसा कि सेक्शन 89 में कुछ ना समझ आए तो 50,000 से 5,00,000 या फिर और भी दंड है सेक्शन 89 से 95, तो ये सारा चीज के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। रिकॉर्ड मेंटेन करने का ड्यूटी सरकार का है सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में। हाँ ये बात ठीक है कि पायलट नहीं बन सकते या कुछ ऐसे ड्यूटी जैसे फौज में नहीं जा सकते, इसके लिए सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 में ही लिख दिया गया क्योंकि वो चीज और ज्यादा उनको वल्नरेबल बना देगी। लेकिन लड़कियों को स्पेशल रिजर्वेशन, जो दिव्यांग लड़कियां हैं महिला हैं हमारी बहनें हैं हमारी माएं हैं, आर्टिकल 39EF और 15 के 3 में बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल प्रावधान ध्यान रखते हुए सेक्शन 4 डिसेबिलिटी एक्ट में ये बात रखी गई है। न्याय तंत्र बिल्कुल एसेसिबल हो, आर्टिकल 39A के साथ सेक्शन 12 को पढ़ा जाए तो जितने भी स्कीम और सर्विस हैं ये हमारी ड्यूटी है हम आप तक पहुंचाएं। और यही काम हम 45 दिन में नहीं, जब तक ये जुडिशरी है जब तक आप हमारे सिटीजन हैं और हम आप तक ये पहुंचाते रहेंगे। आपका परिवार बनाने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में अगर आपको प्रॉपर्टी का अधिकार दिया है संविधान ने तो हम भी आपको ये अधिकार देते हैं कि आप लीगल एग्रीमेंट कर सकें, लेकिन कोई आपको ठगे नहीं इस बात का ध्यान सेक्शन 13 में रखा गया है, नहीं तो उस ट्रांजेक्शन को हम जीरो कर देते हैं। और आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और गार्डियन एक्ट में गार्डियन भी सेक्शन 14 में अपॉइंट किया जा सकता है। वोट देने के लिए आप नहीं जा सकते तो सेक्शन 14 में ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की कि वो आपसे वोट दिलवाने के लिए आपके घर तक आए। तो आपने देखा कि घर का अधिकार सेक्शन 9 में, परिवार का अधिकार सेक्शन 10 में, लोकतंत्र का अधिकार सेक्शन 11 में, न्याय तंत्र का अधिकार सेक्शन 12 में और जितने भी आर्टिकल 21 के अंदर इक्वलिटी डिग्निटी इंटीग्रिटी के राइट्स हैं वो चैप्टर 2 में सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 में। इस तरीके से आपका एजुकेशन का राइट सेक्शन 16, 17, 18 में, वोकेशनल एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का राइट सेक्शन 19 में आपने देखा, और आर्टिकल 39A आपके लिए स्पेशल कोर्ट सेक्शन 84 में और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वैसे ये हमारी जुडिशरी है आप देख सकते हो यूनियन जुडिशरी, लेकिन आपके लिए स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इवन हमारे जो सेक्शन चैप्टर 11 और 12 में चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर है उनको पावर बकायदा सिविल कोर्ट की दी है। सेक्शन 23 में हमने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बनाया है ताकि वो आपके सारे दुख दर्द को सुने। और पुलिस ऑफिसर जैसे सेक्शन 7 के 4 में आपके प्रॉब्लम को सुनकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आगे लाता है, सेक्शन 23 का GRO भी आपके प्रॉब्लम को सुनता है। इसी तरीके से आपने देखा चैप्टर 5 में 24-30 में बिल्कुल बापूजी और नेहरू जी के बातों को ध्यान रखते हुए आपको सोशल सिक्योरिटी हेल्थ रिहैबिलिटेशन रिक्रिएशन सबका अधिकार दिया है। इसी के साथ मैं ये बात खत्म करता हूं कि अगर आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है तो सेक्शन 3 डिसेबिलिटी एक्ट भी वही बात करता है। अगर आर्टिकल 15 लड़कियों की इक्वलिटी की बात करता है तो दिव्यांग लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए सेक्शन 4। कम्युनिटी लाइफ है, रिप्रोडक्टिव राइट है, होम राइट है, आपके पास सारे अधिकार हैं। और हम चाहते हैं इन वीडियोस के थ्रू अब डिसेबिलिटी कोई भी हमारा दिव्यांग भाई
इसीलिए महरूम ना रह जाए कि पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी नहीं पता, एडीएम साहब, डीएम साहब और जुडिशियल लर्नर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने राइट्स नहीं पता, और न्याय तंत्र, लोकतंत्र, इलेक्शन कमीशन को अपने राइट नहीं पता, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपने राइट नहीं पता, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी 5% रिजर्वेशन देने के लिए इंसेंटिव का प्रावधान खुद चीफ कमिश्नर को नहीं पता, और जिस तरीके से सेक्शन 34 के प्रोविजो में कोई इंस्ट्रक्शन ही सरकार जारी नहीं कर रही थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 141, 142 में 4 महीने का टाइम दिया कि ये इंस्ट्रक्शन पास करो, नहीं तो ना नौमन तेल होगा ना राजा नाचेगी, जिसको अंग्रेजी में विल ऑफ द विस्प कहते हैं, अब वो नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रोग्राम 45 दिन का है, लेकिन इस वीडियो को इतना वायरल, इतना सब्सक्राइब करें ताकि 1-1-545 सिरमौर के गांव तक ये बात पहुंचे, और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये डाटा मेंटेन करे कि कितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, और हमारे पीएलवीज वो सारे के सारे स्कीम उन तक पहुंचाएं। हमारे पुलिस ऑफिसर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में कोई भी एक्सप्लोटेशन देखते ही हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएं, अगर पिनल क्लॉज है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रेफर करें 745 में, फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा पीएलवीज को तो सेक्शन 23 के ग्रीवांस रिडर्सल ऑफिसर के पास ले जाएं। चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर को चैप्टर 11-12 में सिविल कोर्ट के बराबर पावर दी है, आपके लिए स्पेशल अदालतें सेक्शन 84-85 में है, और अब आप सोचेंगे ये सारा काम तो ठीक है लेकिन हमारी सोशल सिक्योरिटी से पहले भाई पैसा भी तो होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कै कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखा है तो इस एक्ट में भी चैप्टर 14 और 15 में सेक्शन 86, 87 और 88 के तहत सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को बोला गया है आप नेशनल फंड बनाएं ताकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर चीफ कमिश्नर से लेकर स्टेट कमिश्नर से लेकर जीआरओ से लेकर स्पेशल कोर्ट तक सबको फंड देके रखें कि हमारे गांधी जी और नेहरू जी का सपना, हमारे दिव्यांग को, मार्जिनलाइज लोगों को कोई भी पैसे की कमी के कारण अन्याय ना सहना पड़े, और हमारा देश भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के साथ पैरा ओलंपिक्स में जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ा सेक्शन 30 में, अगली बार हम और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी भी मैंने बातें की, अगर ये स्टेक होल्डर कोई भी वायलेशन करते हैं तो सेक्शन 89 में आप हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करवाएं, क्योंकि 50,000 से 5,00,000 तक का दंड हर ऑफिसर की जेब से जा सकता है, इस बात का ख्याल रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।